आज मैं फ्री है, मतलब मेरे काम से आने वाली रही हूँ और अभी फर्स्ट टाइम के लिए अपने ननिहाल जा रहा है। डाइट फॉर एवरी इम्यूनिटी। मैं उन्हें तो मुझे मुझे नहीं मिलता ही वो भी नहीं लगता। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राजकोट के आज के नए ब्लॉग में। अभी मैंने मॉर्निंग में ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज मैं जाने वाली हूँ अपने पीहर, मतलब रहते सब जयपुर में ही है पीहर वाले, लेकिन आज मैं पीहर मतलब मेरे गांव से आने वाली हूँ क्योंकि वहाँ स्वामी करने वाले हैं, तो आज शाम तक निकलना होगा। तो अभी तो मैं लगी हूँ टिफिन बनाने के, मैं हस्बैंड का टिफिन तैयार कर रही हूँ और अभी फर्स्ट टाइम के लिए अपने ननिहाल जा रहा है। So, I would like to share with you. Now, tiffin is ready. अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ पैकिंग। तो मैंने मेरी तो सिर्फ एक ड्रेस ली और मुझे लगता है अच्छी की ड्रेसेस से ही हो जाएगा पूरा बैग फुल, क्योंकि अच्छी की बहुत सारी पजामियाँ मुझे लेनी पड़ रही है। ले गया ना मेरी ड्रेस उठा के वहाँ पे। इधर देखिए, देख ड्रेसेस तेरी, इधर इधर फोन की तरफ मत जा, इधर देख ड्रेसेस रखने आती है इधर। ये भी इधर कितनी ड्रेसेस रखी जा रही है। हाँ ओ शाबाश, अच्छी की डायपर सॉक्स हैंकीज एंड ऑल, इतनी सारी चीज़ें हो गई मेरे पास, बिखेर दी अभी तक सारा तूने। बैठ जाए तो पैक कर दो ना, बिखेरना मत बेटा। रखते सामान रख दो, अभी तो सारा सामान रखते ही था। ये भी रखते देख, ये भी रखते अगे की हैंड केस वगैरह भी रख दो, सॉक्स भी रख दो, क्योंकि एक सॉक्स कौन सा अभी। मेन चीज़ जो मैं अभी रखना भूल जाती है अक्की की मेडिसिंस, वो भी रख देती हूँ मैं। शाम हो चुकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, साथ में अक्की भी रेडी है। अक्की इसे फुर्सत नहीं कामों से, इधर आना। ये मेरी चुटली राजा, चुटली राजा। यार तो अभी थोड़ा टाइम बच रहा है तो सोचा तब तक मैं कपड़े वगैरह समेट के थोड़ा काम कर लेती हूँ, जो भी बिखरा पड़ा है कपड़े वगैरह सब समेट के अभी रख देते। और मेरा मतलब सामान का एक बैग हो गया है, काम वहाँ एक दिन का ही है, वहाँ फंक्शन एक दिन का, और एक बैग मेरा हो गया कपड़ों का। उसमें मेरी सिर्फ एक ड्रेस है और अक्की ही हो गई, इतनी सारी पजामियाँ हो गई उसमें, और उसके सॉक्स वगैरह, एक्स्ट्रा सॉक्स भी चाहिए, एक्स्ट्रा हैंकीज भी चाहिए, वो बच्चे के डायपर्स मेडिसिंस, इन सब के चक्कर में मेरी ओनली वन ड्रेस है और बैग एकदम फुल हो चुका है। अभी पापा वगैरह आने वाले, पापा के साथ में जाने वाली हूँ, पापा और दादी आने वाले हैं तो उनका वेट कर रही हूँ, उन्होंने कहा थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो तब तक के लिए मैं ड्रेसेस वगैरह रख देती हूँ। मैंने आज जो ये गले का पहना है ये मम्मी ने दिया था बीच में, मतलब जब अक्की हुआ था, सिर्फ गले का नहीं, इसमें जो साथ में जो ये कान के हैं ये, और साथ में ये कांटा, और ये तीनों चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम के लिए पहनी है। और ये मतलब जो इसके जो कान के हैं ना, ये मुझे बहुत सुंदर, मतलब इसमें वीडियो में इतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं आ रही होगी इसकी, मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, इसकी वजह से मैंने इसे पहना है और फर्स्ट टाइम के लिए पहन के जा रही हूँ। अक्की गाड़ी लेट चाली सा गई। हेलो तैनी, अभी बस रवाना होने वाले हम लोग।
जयपुर से आना हुए थे तब 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा था और अभी सनसेट का टाइम हो गया और जयपुर से बाहर तो निकल चुके हैं लेकिन अभी शायद कालवाड़ के आसपास पहुंचे हैं। हमने चूज़ किया है शॉर्ट रास्ता जाने के लिए क्योंकि उधर से ट्रैफिक रहता है या अगर दूसरे वे से जाते हैं हम तो इधर शॉर्ट पड़ता है हमारे काम के लिए। तो इधर से जा रहे थे और बीच में गाड़ी थोड़ा सा काम मांग लिया गाड़ी ने तो यहाँ अभी सर्विस सेंटर पे लाके खड़ा कर दिया है और सनसेट ऑलरेडी हो चुका है तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाए। अक्की को भूख लगाई तो नानो से क्या लाने के लिए गए हैं अक्की के क्या खाना है अक्की को? रात के करीब 8 बजने वाले और अब जाकर हम गांव में एंटर हो चुके हैं। अक्की फर्स्ट टाइम के लिए ननिहाल आया है तो आने में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि नाइट था तो थोड़े आराम से गाड़ी चलाई इसलिए ज़्यादा लेट तो नहीं है। 8 बजने वाले बस अभी पहुँचने वाले हैं घर की बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। ओले मेरा मछलिया पर बैठ गया तू? किसका है ये? किसका है ये? छोटा सा है बंदर कहीं देखे जंगल बनिया या कुआड़िया नबो यहां कर दो तीन पटक कर उठो रहा तो ना बस दो तीन का बेचो पड़ गए तो अरे भगवान को ना ही नहीं रे आज से उठाई दूती अड़े डेरे पाटा तेरे मेल तो जगह देख चल का शान दे एन का ये सुबह सुबह भाव पीड़ो अरे मूड़ी खाली पर मौज जी मार सा ना लिया अबे कई रोटी खा ले ली चार बार।